जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र पंडित जी साहब। जय जिनेंद्र। द्याद्वाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंद का हरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए दिन वाणी माँ को वंदना शतबार है। प्रतिदिन शुरू करते हैं, जरा सा रिक्वेस्ट फोन कॉल भेज दीजिए पोस्ट बनाने के लिए, रिक्वेस्ट फोन कॉल। आप तो थोड़ा भेज ही दिया कि रिक्वेस्ट फोन कॉल। चलिए मंगलाचरण करेंगे। बोलिए मंगलाचरण, बोलिए मुग्धा जी सिद्धा दद्द मला, मंगलाचरण बोलिए आप। सिद्धा दद्द मला विशुद्ध बुद्धि। आवाज करनी है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सिद्धा दद्द मला विशुद्ध बुद्धि लद्ध सौवधा तिहुवण सिर से हरया पसियंतु भड़ारया सम्मे तिहुवण भवन पसरिया पच्चखव बोह किरण परिवेढो उयो वि अनत्थवण अरहंत दिवाय रोजयो गणिहाये नुतारिय मोह सन्न सिरणि वहो आयरिय राव पसियहु परिवालिय भविय जियलो अन्नान अंधयारे अणोर पारे भमंत भवियाणम ओ पसियंतु सया उवच्छाया दुहतिवती साविनडिया तिहुवण भवियान सुठुरायेन परिठविया धम्म पवा सुवजनवान पयानेन संधारिय सीलहरा उत्तारिय चिरप माद दुस्सिल भरा साहु जयंतु सौवे शिव सुह पह संख्याहु निगलिय भया। ओम नमो जिनाणम। ओम नमो जिनाणम। ओम नमो ओहि जिनाणम। नमो परम ओहि जिनाणम। नमो सव ओहि जिनाणम। कृति अनियोग द्वार के जो प्रारंभिक सूत्र है, जो मंगलाचरण में 44 सूत्र है, हम उनका पाठ करने जा रहे हैं। आप लोगों के पुस्तक को तो पीछे एक साथ दिए हुए सूत्र दिए हुए नमो जिनाणम, तो उसको आप निकाल सकते हैं। मेरे पास में जैसे ही राइट्स देंगे हमको, रोज हमको राइट चाहिए तो राइट्स दे देंगे, तो हम आपको जो है ओम नमो जिनाणम। नमो ओहि जिनाणम। नमो परम ओहि जिनाणम। नमो सव ओहि जिनाणम। नमो अणहंतो हि जिनाणम। नमो कोठ बुद्धिणम। नमो बीज बुद्धिणम। नमो पदानुसारिणम। नमो संभिन्न सोदाराणम। नमो उजमदिनम। नमो विउलमदिनम। नमो दशपूव्याणम। नमो दशपूव्याणम। नमो अठंग महानि नित्य कुशलानं।
नमो विमुवप्नपत्तानम् नमो विज्ञाहराणम् नमो चारणानम् नमो पन्नसमणानम् नमो आगासंगामीनम् नमो आसिविसानम् नमो दिट्ठिविसानम् नमो उग्गतवानम् नमो दिट्ठतवानम् नमो तत्ततवानम् नमो महातवानम् नमो घोरतवानम् नमो घोरपक्वमानम् नमो घोरगुणानम् नमो घोरगुणबंभचारिणम् नमो आमोसहिपत्तानम् नमो खेलोसहिपत्तानम् नमो जल्लोसहिपत्तानम् नमो विठ्ठोसहिपत्तानम् नमो सौवोसहिपत्तानम् नमो मणबलिनम् नमो वचिबलिनम् नमो कायबलिनम् नमो वीरसविनम् नमो सप्तिसविनम् नमो महुसविनम् नमो अमरसविनम् नमो अखिण महासनान महानसानम् नमो लोये सिद्धाय दनानम् नमो वर्धमान बुद्ध ऋषिस ओम नमो बस रुकेंगे ओम नमो सिद्धार्थम आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर भूत बलि आचार्य और पुष्पदन ने शखंडागम ग्रंथ की रचना की। अभी हमने जो भूत बलि आचार्य के द्वारा रचित कृति अनुयोग द्वार के सूत्र हैं उनके प्रारंभिक 144 सूत्रों का पाठ किया। प्रीति जी ये सूत्र किसके मंगलाचरण के सूत्र है। जैसे पंच परमेष्टी में 5 नमोकार पद है, यहाँ पर 44 पदिक मंगलाचरण है। कितने पद है? 44 मदिक। जैसे नमो अरियंताणम उसका एक सूत्र है, नमो सिद्धाणम का दूसरा सूत्र है, नमो आयणम का तीसरा सूत्र है, नमो चौथा सूत्र और नमो लोए सव सावण का पांचवा सूत्र। ऐसे नमोकार मंत्र में 5 सूत्र बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? 5। पहला कौन सा होगा? नमो अरियंताणम। यहाँ पर जो मंगलाचरण किया गया है उन्होंने एक एक को लेकर अलग अलग छोटे छोटे सूत्र बनाए। मधु जी पहला सूत्र क्या है? नमो जिनाणम। क्या हाँ, क्या सूत्र है? आप जरा एडमिट हो जाइए मधु जी। नमो जिनाणम मिला नहीं मेरी बुक में। हाँ आवाज आ रही है आपकी। नमो जिनाणम बोलिए। नमो जिनाणम। अच्छा अब दूसरा और तीसरा चौथा सूत्र एक साथ बोलिए। दूसरा तीसरा और चौथा। नमो ओहि जिनाणम नमो परम ओहि जिनाणम नमो सवो ही जिनाणम। पांचवा नमो अनंतम तो ही जिनाणम अनंतो ही जिनाणम। हाँ अनंत और ओहि जिनाणम जिनाणम वहां पर पांचवे सूत्र के अंदर संधि हो गई है। शब्द क्या है? अनंतो ही जिनाणम अनंत ओहि जिनाणम ओहि जिनाणम। तो देखिए यहाँ पर जो 44 सूत्र है उनके हम विषय स्थल देखे कस्तूरी जी तो पहले सूत्र में नमो जिनाणम जो द्रव्यार्थिक नय से नमस्कार किया गया है। दूसरा तीसरा और चौथा सूत्र में अवधि ज्ञानियों को नमस्कार किया गया। दूसरे सूत्र में देशावधि ज्ञानी को मुनिराज को। तीसरे सूत्र में परम अवधि ज्ञानी को और चौथे में सर्वावधि ज्ञानी मुनिराज को नमस्कार किया गया। पांचवा सूत्र क्या है? कि पांचवा सूत्र में अनंत ही जिसकी सीमा है ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया गया। अब सूत्र नंबर 6, 7, 8 और 9 इनका एक जोड़ा बनेगा। सूत्र नंबर 6, 7, 8 और 9 क्या है प्रीति जी? इनको पढ़ेंगे आप। 6, 7, 8, 9 नमो कोट बुद्धिणम नमो बीज बुद्धिणम नमो संयम बुद्धिणम नमो कोट बुद्धिणम नमो बीज बुद्धिणम नमो पदाणु सारिणम नमो संभिन्न सोदारणम संभिन्न सोदारणम नमो उज्जुम रुकेंगे 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 प्रीति जी ये नंबर 6 ये रुद्धिधारी के है ना। नंबर छे एक मिनट रुक। नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 और नंबर 9 कितने हो गए अपने लिए? 6 7 8 और 9
ये चारों का एक ग्रुप है। चारों का कौन सा ग्रुप है? एक ग्रुप है। ये कौन सी रिद्धियां है चारों? जो गंधर्व भगवान को, हर एक गंधर्व भगवान को होती है। अपन कहते हैं ना चार ज्ञान के और चार निर्मल रिद्धि के धारक गंधर्व भगवान। तो ये जो यहाँ पर बोली है प्रीति जी ने अभी, नमो कोट बुद्धिणम, नमो बीज बुद्धिणम, नमो पदानुसारिणम, नमो संभिन्न सोदारणम, इन चार रिद्धियों का एक ग्रुप है जो गंधर्व भगवान को द्वादशांग के स्नान में निमित्त होती है। उसके पहले दूसरा, तीसरा और चौथा अवधि ज्ञानी जिनेन्द्र को नमस्कार किया। हाँ एक मिनट लेता हूं बंधु जी। दूसरा, तीसरा और चौथा सर अवधि ज्ञानी मुनिराज को नमस्कार किया। पांचवें को मैंने छोड़ दिया और पांचों को मैं पहले के साथ में ग्रुप करूंगा क्योंकि वहां पर द्रव्यार्थिक नहीं से ही नमस्कार हुआ पांचवें में। अभी अपन उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन 44 जो सूत्र है इनको हम छोटे छोटे विषय विभाजन में बांट रहे हैं। कैसे बांट रहे हैं कि अवधि ज्ञानी संबंधित तीन सूत्र हैं, चार सूत्र कौन से हैं जो जिससे द्वादशांग की रचना होने में जिसको नियामक बताया गया है। उसके बाद में अगर आप देखें तो एक सूत्र आता है नमो उज्ज मदिणम, दसवां नंबर, और ग्यारहवां नंबर आता है नमो विवुल मदिणम। मंजू जी घाट को पर इनमें एक ग्रुप बनेगा क्योंकि दोनों सूत्र मना पर्याय ज्ञानी के, दसवें और ग्यारहवें सूत्र मना पर्याय ज्ञानी के। तो जैसे दूसरा, तीसरा और चौथा ज्ञान सूत्र अवधि ज्ञानियों का है, यहां पर जब हम आगे आएंगे तो मना पर्याय ज्ञानी के दसवें और ग्यारहवें सूत्र बन जाएंगे, मतलब ऋजुमति ज्ञानी और विपुलमति ज्ञानी। दसवां सूत्र क्या है? नमो उज्ज मदिणम। क्या अर्थ हुआ मधु जी? ऋजुमति मन पर्याय ज्ञानी को नमस्कार। और इसके अंदर जो दस, ये जो सूत्र है कौन सा? ग्यारहवा, उसमें क्या आया? विपुल मति मुनिराज को नमस्कार। अब मधु जी इसमें देखो कौन सा सूत्र आ रहा है? बारहवा और तेरहवा सूत्र पढ़ो आप। क्या है? नमो दस पुवीणम, नमो चौदस पुवीणम। बारहवा सूत्र क्या है? नमो दस पुवीणम, नमो चौदस पुवीणम। अब मैंने यहाँ पर जो आपको बताया, क्या बताया कि जो 44 सूत्र कृति योग द्वार के प्रारंभ के, इनके अलग अलग ग्रुप बनेंगे। हमने आज आपको कुछ ग्रुप बताए। पहले ग्रुप में कौन से लेंगे? जो द्रव्यार्थिक नय से नमस्कार है। यद्यपि द्रव्यार्थिक नय से नमस्कार का एक ही सूत्र बताया गया है नमो जिनाणम, लेकिन उर्मिला जी मैंने जब इस पर और विषय प्रमेय देखा तो मेरे को तीन सूत्र मिले। मैं बताऊंगा कौन सा। नमो जिनाणम, नमो अनंत होई जिनाणम, नमो सव सिद्ध आयदानम। मतलब कौन सा नंबर है? 43 नंबर का। 43 नंबर का, पांचवें नंबर का और पहले नंबर का। इन तीनों सूत्रों को एक ग्रुप बनाएंगे और उसको किसी अपेक्षा से हम कहेंगे द्रव्यार्थिक नय का। पहले सूत्र को तो हम जानते ही द्रव्यार्थिक नय से सभी गर्भित है। अब उर्मिला जी पांचवा सूत्र क्या है? अनंत अवधि जिसकी है। तो अनंत अवधि मतलब क्या हो गया? केवल ज्ञानी, मतलब केवल ज्ञानियों को नमस्कार किया क्योंकि केवल ज्ञानी ही अनंत उनकी सीमा है, मतलब अनंत को जानते हैं। तो उनकी, उनको क्या कहा पांचवें सूत्र में? क्या कहा कस्तूर जी? नमो अनंत ओही जिनाणम। ओही मतलब अवधि, अवधि मतलब सीमा, मर्यादा, मतलब उनकी मर्यादा कितनी? अनंत को जानने की है, मतलब कोई अंत नहीं है उनको मर्यादा को। तो उर्मिला जी यहाँ पर द्रव्यार्थिक नय से कैसे इस ग्रुप में अपन लेंगे? अपन 44 सूत्र है, इनको हमको द्रव्यार्थिक नय में, मैंने पहले के साथ में रखा। तो आशा में द्रव्यार्थिक नय की क्या परिभाषा थी कि जिसमें भेद नहीं करके सभी जिनेन्द्रों को नमस्कार किया। तो पांचवें सूत्र में कैसे अपन द्रव्यार्थिक नय का विषय बनाएंगे? उषा जैन, अनंत, देखो अनंत ज्ञानी को नमस्कार किया गया, लेकिन अनंत ज्ञानी कौन से हो सकते हैं? 13वें गुणस्थान के 8,58,502 हो सकते हैं, 14वें गुणस्थान के जो कि सांतर मार्गणा उसके जीव हो सकते हैं, और सिद्ध भगवान भी हो सकते हैं। तो ऐसा भेद नहीं किया कि मैं अनंत भगवान को नमस्कार कर रहा हूं कि सिद्ध भगवान को नमस्कार कर रहा हूं। उषा दोषी क्या कहा यहाँ पर? अनंत ओही जिनाणम। अनंत मतलब जो अनंत, जिनकी मर्यादा है जानने की, ऐसे कौन है? केवल ज्ञानी है, अनंत ज्ञान के। कस्तूरी जी अपन तीन ज्ञान बोलते हैं,
मति शुद्ध ज्ञान, अवधि और अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान। इनको जानने का विषय क्या है कि मति और शुद्ध ज्ञान से संख्यात को जान सकते हैं, संख्यात को, अवधि ज्ञान से असंख्यात को जान सकते हैं। क्या उषा जी जैन और उषा दोषी दोनों को बोल रहा हूं, कोई बात नहीं, नाम एक हो गया, कोई बात नहीं। तो अवधि ज्ञान से असंख्यात को जानते हैं, और प्रीति जी जितुनकर केवल ज्ञान किसको जानते हैं, अनंत को, अनंत को जानते हैं। तो जो हमारे मधु जी का तीसरी पुस्तक का विषय है, अनंत, असंख्यात और संख्यात, तो जो अनंत को जाने, किस अनंत किसकी ज्ञान का विषय है, केवल ज्ञान का विषय है। अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी नहीं जान सकते, असंख्यात अवधि ज्ञानी जान सकते हैं, लेकिन मति और शुद्ध ज्ञान का विषय संख्यात है। तो यहां पर अनंत ओही को नमस्कार किया, और यह भेद भी नहीं किया कि अनंत को नमस्कार किया कि सिद्ध को नमस्कार किया, यह भेद भी नहीं किया कि संयोग केवली को नमस्कार किया कि अयोग केवली को नमस्कार किया। इसलिए मैंने द्रव्यार्थिक नय के उस ग्रुप में इसको डाल दिया। हम 44 सूत्र के ग्रुप बना रहे। अब 43 नंबर का सूत्र क्या है, नमो सिद्ध, मतलब जितने भी सिद्ध के आयतन है, मैं बंद कर देता हूं, क्या करेगा। 43 जो सूत्र है उसमें क्या लिखा, सभी सिद्ध आयतनों को नमस्कार हो, मतलब उसमें कैलाश पर्वत भी आ गया, उजन गिरी भी आ गया, अकृत्रिम चैत्यालय भी आ गए, नंदीश्वर दीप के भी आ गए, सभी आ गए, सभी को क्या कहेंगे, सिद्ध आयतन। जहां पर पंचकल, मतलब अपने मुनिराज के तप कल्याणक हुआ है, ज्ञान कल्याणक हुए है, निर्वाण कल्याणक हुए, अकृत्रिम चैत्यालय, उन सबको क्या कहेंगे, सिद्ध आयतन। क्या कहेंगे उनको, सिद्ध के आयतन। तो वहां भी भेद नहीं किया कि वो जम्बू द्वीप के हैं कि भरत क्षेत्र के हैं, वो अकृत्रिम चैत्यालय है कि तीर्थ, कोई भेद नहीं किया। तो उसको भी अपन ने किस में डाला, द्रव्यार्थिक नहीं वाले ग्रुप में डाल दिया। अब प्रीति जी 44 सूत्र क्या है, वर्धमान भगवान को नमस्कार हो। तो ये द्रव्यार्थिक नहीं को पर्यार्थिक नहीं, कि पर्यार्थिक नहीं से आएगा, क्यों, कि 24 भगवान को नमस्कार नहीं करके केवल एक वर्धमान भगवान को नमस्कार किया, इसलिए 44 सूत्र पर्यार्थिक नहीं में आएगा। दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र, चौथा सूत्र एक ग्रुप में गया अवधि ज्ञानियों को, पांचवा सूत्र को छोड़ दें तो छठा, सातवां, आठवां और नौवां, छठा, सातवां, आठवां और नौवां, इन चार का एक सूत्र बनेगा जिसको हम कहेंगे बुद्धि रिद्धि, कि वह चार निर्मल रिद्धियां जो द्वादशांग की रचना करने वाले को नियम से होती है। जो भी जीव द्वादशांग की रचना करते हैं उनको ये चार निर्मल रिद्धियां अवश्य होती है। नाम क्या है, कोट बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारी और समभिन्न समश्रोतत्व, ये चार होती है। उसके बाद में आगे के दो सूत्र हैं, 10 पुरियों को नमस्कार और 14 पुरी को नमस्कार, वो एक स्थल बन गया, विषय स्थल। आशा में हम इन 44 सूत्रों को विषय स्थल है, अपन धीरे धीरे इसको करेंगे। आप भी मतलब कागज पर लेकर बनाइएगा तो अपन सब लिखेंगे कि कितने विषय स्थल बने। इस प्रकार से आगे जाएंगे तो ऋजुमति और मन परे ज्ञानी का एक स्थल बनेगा, आगे जो ना औषध रिद्धि वालों का एक स्थल बन जाएगा, मन वचन और बल रिद्धि वालों का एक स्थल बन जाएगा, रस रिद्धि वालों का एक स्थल बन जाएगा। इस प्रकार से 44 सूत्रों के अंदर विषय स्थल अलग अलग बनेंगे। अपनी अभी कौन सी बात चल रही है, विषय स्थल नंबर 2 उर्मिला जी, उसमें कौन से सूत्र है, अवधि ज्ञान से संबंधित 3 सूत्र। तो हमें पता है कि अवधि ज्ञान 3 प्रकार का होता है, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। देशावधि और परमावधि चरम शरीर को होता है, नहीं, परमावधि और सर्वावधि, देशावधि नहीं, परमावधि और सर्वावधि केवल चरम शरीर। किसको कहते हैं चरम शरीर, आशा बहन, जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं। बहुत बढ़िया, फिर से फिर पूछता हूं मैं, किसको कहते हैं चरम शरीर, जिसके वज्र वशम नारद सैनन हो। क्यों कहना पड़ेगा कि जो चरम शरीरी है उनके नियम है कि उनके वज्र वृषभ नारद सैनन होगा। कस्तूरी जी, वज्र वृषभ नारद सैनन है इसलिए मुक जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वज्र वृषभ नारद सैनन वाला सातवें नरक भी जाता है। लेकिन लगाना कैसे उषा जी जैन, कि जिस जिसके वज्र वृषभ नारद सैनन होगा, सैनन आपने नाम सुने, 6 सैनन होते हैं, बोले नाम बोल सकते हैं आप, वज्र वृषभ नारद सैनन, वज्र वृषभ नारद सैनन,
नारद सेनन है ना, अर्ध नारद सेनन, गिलिंदिका, असंप्राप्त असंप्राप्त, हाँ ये मतलब हड्डियों की किस तरह से उनका वेष्टित बना है उसको बताते हैं। तो जो चरम शरीरी होते हैं मतलब उसी भाव से मोक्ष जाते हैं विभाजी, पॉइंट नंबर वन, जिसके वज्रशम नारायण सेनन होता है उनके ही परमावधि और सर्वावधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान के तीन भेद, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। परमावधि, सर्वावधि, चरम शरीरी और उनके वज्रशम नारायण सेनन होता है उनके होता है। जिनके परमावधि और सर्वावधि होता है वह कैसा होता है उर्मिला जी? अप्रतिपाती। कैसा होता है? अप्रतिपाती। क्या मतलब होता है? कि वह गिरता नहीं है, वह गिरता नहीं है। वे मुनिराज, उनका अवधि ज्ञान भी नहीं छूटेगा और उनका गुणस्थान भी नहीं गिरेगा, वे छठे गुणस्थान से नीचे नहीं आएंगे। जो देशावधि ज्ञान है वह गिर सकता है, वह उस भाव में मोक्ष भी जा सकता है, नहीं भी जाए, कोई नियम नहीं है। एक बात। दूसरा क्या है कि देशावधि ज्ञान चारों गतियों में पाया जाता है, लेकिन यहां पर जिसको नमस्कार किया गया वो मनुष्य गति में संयमी को नमस्कार किया, मतलब जिनकी सम्यक दृष्टि तो ही है मुनिराज, लेकिन कौन है कि मुनिराज है, उनको नमस्कार किया गया। इसकी जो टीका लिखी है उस टीका में अंदर 20 प्रश्न उठाए आचार्य, कितने उठाए? 20 प्रश्न उठाकर हमको बात को समझा रहे। सूत्र नंबर 2 है और आप पढ़ी आशा बहन, अगर आपके पास में हो तो, अवधि जिनों को नमस्कार है, इसका जो पैराग्राफ है नीचे अपने कल पढ़ लिया था। अवधि शब्द अपने में प्रवर्त है क्योंकि अवधि इस प्रकार, आपको जब मिल जाए तो पढ़ना शुरू कीजिएगा, क्योंकि अवधि इस प्रकार, अवधि इस प्रकार स्वयं वह शब्द कहा गया है क्योंकि यहाँ अपने में अवधि शब्द की प्रवृत्ति देखी जाती है। सद्भाव और असद्भाव रूप स्थापना में भी यह अवधि शब्द रहता है क्योंकि यह वह अवधि है। इस प्रकार आरोप के बल से अवधि के साथ एकता को प्राप्त द्रव्य पाए जाते हैं। कहीं पर मर्यादा के अर्थ में भी इस शब्द का प्रयोग होता है, जैसे मानुष क्षेत्र की अवधि मानुषोत्तर पर्वत है, लोक की अवधि तनुवात वलय पर्यंत है। कहीं पर ज्ञान अर्थ में भी यह शब्द आता है, जैसे अवधि ज्ञान से जानता है। यहाँ पर अवधि शब्द को ज्ञान के अर्थ में ग्रहण करना चाहिए। रुकेंगे, क्या बताएं? यहाँ पर अवधि शब्द के बारे में बताएं, किसके बारे में बताया? अवधि शब्द। चलो कस्तूर जी तैयार है, कस्तूर जी इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर अवधि शब्द की बात कर रहे हैं। तो एक तो उन्होंने बोला नाम अवधि और एक स्थापना अवधि, पहले तो मतलब किसी में अपने शब्द में प्रवृत्त हो तो हो सकता है। कैसे? मंजुला जी के सबको पता अवधि एक्सप्रेस नाम की ट्रेन चलती, अवध एक्सप्रेस बोलते, उसके बोलते अपन अवध एक्सप्रेस चलती, जल्दी जल्दी अवध एक्सप्रेस, उसको अवधि ज्ञान है क्या? नहीं है? अरे उसको तो ये भी नहीं पता कि मैं लेट चल रहे हूँ। आपने नाम सुना अवध एक्सप्रेस चलती इधर, मतलब अवध एक्सप्रेस, मैंने नाम सुना अवध एक्सप्रेस चलती, याद आ गया अभी, अवध एक्सप्रेस चलती, वो नाम है उसका, मतलब नहीं है, है तो ट्रेन है लेकिन नाम हो गया अवध एक्सप्रेस। दूसरा उन्होंने बोला स्थापना, मतलब यह वह है, यह अवध है, यह अवध मतलब उसमें स्थापना कर दी, तदाकार अतदाकार, अब छोड़ दे मर्यादा के रूप में। लेकिन यहां पर जो अवधि शब्द जो आया है कहां पर आया है? उषा जी जैन सूत्र में आया, कौन सा सूत्र है? दूसरा। क्या लिखा? नमो ओहि जिनाणम, अवधि जिनेन्द्र को नमस्कार। अवधि शब्द की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? अवधि की। और यहाँ पर अवधि का शब्द क्या बोला? मर्यादा, टाइम लिमिट, लिमिट भी बोल सकते हैं, लिमिट, लिमिट, अवधि का मतलब लिमिट है ना, इन मतलब काम करने की भी अवधि हो सकती है कि इनके 20 साल में रिटायर्ड हो जाएंगे, 40 साल में रिटायर्ड, मिलिट्री में होते हैं इतने साल की सर्विस हो गया उसके बाद वॉलंटियर रिटायरमेंट ले सकते, अवधि अवधि। लेकिन यहाँ पर अवधि के तीन उदाहरण देकर समझाए हैं, कौन कौन से आशा बहन? पहले बनाया उन्होंने मनुष्य क्षेत्र को बताया, मनुष्य क्षेत्र की अवधि मनुष्योत्तर पर्वत, मनुष्योत्तर पर्वत या एक लोक की अवधि सीमा जो है तनुवात वाला है, और दूसरा ज्ञान में लिया है कि ज्ञान के अर्थ में भी अवधि आता है कि यहाँ तक ज्ञान की सीमा है। ठीक है, अब अपन ने दो बोला उन्होंने, पहले क्या बोला? मनुष्य लोक की मतलब जो है मनुष्योत्तर पर्वत तक अवधि है, क्या मतलब होता है सीमा जी इसका? इसके बाहर नहीं जा सकते। हाँ बोलिए,
मतलब कोई भी मनुष्य मनुष्य पर्वत के आगे नहीं जा सकते, ये लिमिट है। आगे अपने मन परे ज्ञान आएगा ना, तो उनकी लिमिट कितनी, 2.5 लाख मैंने 45 लाख योजन है, वो तो फिर स्क्वायर में लेना है। मनुष्य अपना मनुष्य तो गोलाकार है, मतलब जो स्क्वायर लेंगे चार कोने वाला चतुर्भुज में उठाई दीप का, उतना मन परे ज्ञान नहीं जान सकता, वो बात आने वाली है। दूसरा इन्होंने क्या बोला कि लोकाकाश की, मतलब जहां हम रहते हैं उसकी अवधि कहां तक है, मर्यादा कहां तक है, तनुवात वलय, क्योंकि तनुवात वलय में केवली भगवान विराजमान है, सिद्ध भगवान विराजमान है, तो वहां तक जा सकते हैं। कौन जा सकते हैं? तनुवात वलय में जा सकते हैं, और एकेंद्र बनकर हम भी जा सकते हैं, हम वहां पर सिद्ध बनकर भी जा सकते हैं और एकेंद्र बनकर भी जा, चॉइस है अपने पास में, मतलब आपको कुछ में ट्रेवल करना है ट्रेवल तो कर ही सकते हैं, लेकिन एक में करेंगे, अगर आप तनुवात वलय में सिद्ध बन के जाएंगे तो हैप्पी होंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है उसमें रिटर्न नहीं हो पाएंगे, और एकेंद्र बन के जाएंगे तो आपको जब चाहे जब वहां से रिटर्न हो सकते हैं। क्या लिमिट बतानी थी तनुवात वलय, वात वलय तनु है कि और भी वात वलय, 3 वात वलय होते, मैंने तो नाम सुना था, यहाँ तनुवात वलय क्या नाम है उनके, घनवात वलय, घनोदधि वात वलय, सबसे अंत में तनुवात, 2 कोस 1 कोस और 1525 धनुष, इस तरह से ये 3 वात वलय। ये 1525 बोला ना, ये तो ऊपर का बोला, लेकिन ये वात वलय जो है पूरे लोक में अपना लोक पुरुषाकार है, हर एक पृथ्वी के नीचे भी है, मतलब सुनो सुनो सुनो, वात वलय सब जगह है, जैसे कि नीचे लोक के नीचे 7-8 पृथ्वियों के नीचे, वो सब 20-20 हजार योजन वाले हैं, और ये जो मैं बोल रहा था ये ऊपर के तनुवात वाले जहां पर सिद्ध भगवान विराजमान है। दूसरा जो साइड में अपन देखते ना पुरुषाकार, वहां पर भी वात वाले 3 तो घटते हैं, 16-12 16-12, अभी इसको चौथी पुस्तक में आ चुका है, लेकिन मधु जी को मतलब याद हुए नहीं हो क्योंकि कुछ आकाश के प्रदेश में चले गए, 16-12 16-12 आया था क्या वहां पर, कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा, मैं कहना था। तो उनकी जो अलग अलग लंबाई है 7,000 14, तो इस तरह अलग अलग करके वहां पर बता दे, कोई बात नहीं, अपने तो ये बात बताते हैं कि लोक की निमा, अपने तो अवधि ज्ञान का चल रहा है, तो यहाँ पर तो किसको बुलाया कि सीमा है, तो यहाँ पर बोला कुछ अवधि किस में लेना, यानी ने ज्ञान के पहले अवधि लिखा ना, इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, अवधि ज्ञान के रूप में इसको लेना। अब यहां से हमारे शंकाकार जो है आचार्य श्री के सामने उपस्थित हो चुके हैं, और अब 20 शंका कर आपको इस सूत्र की व्याख्या बनाए, कितनी शंका करेंगे, 20, पहले सूत्र में 17 प्रश्न थे, अब यहाँ पर 20 की है। यहाँ पर पहली 3 शंकाओं में केवल अवधि ज्ञान किसे कहते हैं उसके बारे में, और बाकी की जो 17 शंका है वो सारी देशा अवधि ज्ञान के बारे में, कुल शंका कितनी, प्रश्नोत्तर के रूप में शंका समाधान या प्रश्नोत्तर कितने, 20 है। पहले प्रश्न में पूछा उन्होंने, मर्यादा अर्थ रूढ़ अवधि शब्द ज्ञान अर्थ में कैसे रहता है, पहला प्रश्न है प्रीति जी, क्या लिखा वहां पर आपके पास, पुस्तक है उषा जी जैन, हाँ जी, किसके पास में, विभा जी के पास में है क्या, आप पढ़िए पढ़िए, है तो पढ़िए, पहला शंका, मर्यादा अर्थ में रूढ़ अवधि शब्द ज्ञान के अर्थ में कैसे रहता है, समाधान नहीं, क्योंकि जिस प्रकार 80 से सहचरित पुरुष के लिए उपचार से 80 कहने में कोई विरोध नहीं आता है, उसी प्रकार अवधि से सहचरित ज्ञान को अवधि ज्ञान मानने में कोई विरोध नहीं आता है, अथवा अवागत, हाँ, जो तेल जो तेल निकालता उसको तेली बोल देते हैं, जो बाल काटना नहीं बैठते, अवधि ज्ञानी को अवधि पुरुष बोल दिया, आपने शाम को चली रहा कषाय के सहित को कषाई बोल दिया था, ज्ञानी पुरुष को ज्ञानी बोल दिया, या अवधि ज्ञान के सहित में है इसलिए उसको अवधि बोलने में कोई भी उपचार की बात बताए। आगे का अथवा, अथवा के क्या बता रहे हैं, अवधानात अवधि, अवधि अर्थात जो अधोगत पुद्गल को अधिकता से ग्रहण करे वह अवधि है, इस व्युत्पत्ति से ज्ञान को अवधिपना घटित होता है, इस व्याख्यान से मति और श्रुत ज्ञान के अवधि तत्व का निवारण किया जाता है। यहाँ पर एक शब्द आया व्युत्पत्ति, मंजुला जी, मंजू जी, व्युत्पत्ति क्या अर्थ होता है कि ये जो अवधि शब्द कैसे तैयार हुआ, व्युत्पत्ति का क्या अर्थ है कि वह शब्द कैसे तैयार हुआ,
इस बात को जो समझाते हैं, है ना, धातु कौन सी प्रयोग हुई है तो उसको बोलते हैं व्युत्पत्ति। क्या बोलते हैं उर्मिला जी? व्युत्पत्ति। तो यहाँ पर व्युत्पत्ति से क्या बताया, धातु की बात नहीं कर रहे, व्युत्पत्ति की बात कर रहे हैं। मंगल में शब्द में मंग धातु है ना, वो बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर तो व्युत्पत्ति अर्थ कर रहे हैं। हमारे प्रीति जी क्या क्या था, मंगल की धातु से क्या अर्थ किया और व्युत्पत्ति से अर्थ क्या क्या था, कि जब ये कहा कि मंग धातु से मंगल शब्द बना, वो तो वह धातु से शब्द कैसे तैयार हुआ, और जब ये बोला मंग प्लस ल और म प्लस गल, ऐसे दो अर्थ के, पाप को गलाने वाला और पुण्य को लाने वाला, उस अर्थ को विभाजी कहते हैं व्युत्पत्ति अर्थ। क्या कहते हैं? हाँ, नीताजी जैन यहाँ पर अवधि शब्द का व्युत्पत्ति से अर्थ बता रहे। शब्द कौन सा है? अवधि, ठीक है ना। तो उसने क्या बोला, अवाग्धानात अवधि। अब यहाँ पर अवाग्धानात, देखिए कठिन शब्द तो आने ही वाले क्योंकि हम कर रहे हैं, लेकिन हमें तो समझ में आ रहा कि नहीं अभी बैठ के, तो वो देखना है। तो देखो यहाँ पर उन्होंने लिखा अधो, अब बोलते ना अधो लोक, क्या बोलते हैं अपन, अधो लोक, नीचे जो नारायण होते हैं वो अधोगामी होते हैं, बलदेव होते हैं वो ऊर्ध्वगामी होते हैं। तो यहाँ पर अवधि शब्द में इन्होंने अधोगत, 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 गत मतलब जाने वाला, उसको क्या क्या, और अधोगत किसको कहा जाता मालूम है, जीव को ऊर्ध्वगमन स्वभावी कहा जाता है। जीव का स्वभाव कैसा है? ऊर्ध्वगमन स्वभावी। लेकिन पुद्गल को क्या स्वभाव है? नीचे की ओर दिए, नीचे जाने आ रहा है, अधोगत, ऊपर फेंको के नीचे आएगा कुछ भी। हाँ, साइंस जी बोलते हैं बाल ऊपर फेंको तो नीचे आएगी, तो पुद्गल है वो, अपन जिसको ऊपर फेंकते हैं किसको फेंकते हैं? पुद्गल को, आत्मा को तो फेंक नहीं सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? अधोगत। क्या बोलते हैं उसको? अधोगत। अधोगत पुद्गल की अधिकता से ग्रहण करना वह अवधि है। इस व्युत्पत्ति से ज्ञान को अवधि पना घटित होता है। इस व्याख्यान से मति और शुद्ध ज्ञान के अवधित्व का निराकरण किया गया है। लो क्या बोला, कि अवधि शब्द लगाया है लेकिन यह शब्द मति और शुद्ध ज्ञान में भी नहीं लगेगा। एक यहां पर जो बता रहे इस अर्थ से, ठीक है ना। अब क्या मतलब है आगे का पढ़ेंगे, मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं, छोड़ूंगा नहीं, आपको पढ़ना है, फिर से पढ़ो उसको। शंका नंबर दो, पूर्वोक्त व्याख्यान से मति श्रुत और मन परे ज्ञान को अवधि से सहचरित होने के कारण अवधि संज्ञा का प्रसंग क्यों प्राप्त नहीं होता है? जो अथवा कह के आचार्य ने व्युत्पत्ति अर्थ बताया था और उसमें मति और शुद्ध ज्ञान की बात की, तो शंकाकार ने उसी को लेकर प्रश्न पूछा। मतलब जो ऊपर कहा है ना आशा बेन, उसी से शंकाकार ने प्रश्न पूछा। ऊपर क्या कहा था? व्युत्पत्ति अर्थ कर बताया था, अधोगत करके बताया था, और तो बोला मति और शुद्ध ज्ञान को लागू नहीं होता है। तो शंकाकार क्या पूछता है? पूर्व व्याख्यान से, पहले किए गए व्याख्यान से उपरोक्त मति शुद्ध और मन परे ज्ञान के अवधि से सहचरित होने के कारण अवधि संज्ञा का प्रसंग क्यों नहीं आता है? ये कहां की बात कर रहा है मालूम है आपको? ये तत्वार्थ सूत्र की बात कर रहा है। जब आचार्य पढ़ा रहे हैं उसको कृति अनुयोग द्वार के, लेकिन हमारी भी ऐसी आदत है प्रीति जी कि जो हमको आता है, तो तत्वार्थ सूत्र में क्या आया? मति शुद्ध अवधि मन पर्य केवलानी ज्ञानम, पहले अध्याय का पांचवा सूत्र है, मति श्रुत अवधि मन पर्य केवलानी ज्ञानम। तो वहां पर क्या बोला कि मन पर्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, चारों ज्ञान केवल ज्ञान के समान उनकी लिमिट है, मतलब सीमा है, तो केवल ज्ञान ही है। तो और सबसे अधिक सीमा किसकी बताई वहां पर? अवधि ज्ञान की बताई। तो वहां पर श्री जब प्रश्न में पूछता कि मन परे ज्ञान को फिर आपने चौथे नंबर पर क्यों रखा? चौथे नंबर पर आपको अवधि ज्ञान को रखना था। तत्वार्थ सूत्र में जो उसका खुलासा दिया कि मन परे ज्ञान केवल संयमी को होता, मुनिराज को होता, इसलिए संयम की महिमा बताने के लिए, क्योंकि हम तो संयम को ही नमस्कार करते हैं, इसलिए वहां पर मन परे ज्ञान को आगे रखा। लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा देखें तो अवधि ज्ञान का विषय अधिक है, लेकिन सबका देखें तो अवधि है। अब दो बात हो रहा है यहां पर, दो बात चलेगी। एक कहेंगे कि सबकी अवधि है तो उसमें किसको लेंगे? मति श्रुत अवधि मन पर्याय, और दूसरा किसको लेंगे? मति श्रुत को निकाल देंगे। ये बड़ा समझने की बात है कि दोनों यहां पर बात प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कोई इसमें बात नहीं है। किसको जानते हैं और कितने जानते हैं? ज्ञान का काम क्या है?
जानना, जो जानता है वह ज्ञान, शाम के साध्य में आ रहा अपना, जो जानता है वह कौन है, ज्ञान है, या जिसके द्वारा जाना जाता है वो ज्ञान है, शाम के साध्य में आ रहा है। अब यहां पर अपने क्या लगाना, कितने को जानता है और किसको जानता है, कितने को जानता है किसको जानता, तो कितने को जानता है उसे किसको लेना, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, क्या मंजू जी, छह द्रव्य लेने, किसको लेने, छह द्रव्य। अब मधु जी बताएंगे क्या अवधि ज्ञान छह द्रव्य को जान सकता है, उत्तर दे रही है शकुंतला जी, कोई भी दे सकता है कि नहीं, उसकी सीमा से जानता है, सीमा से। रूपिणा पुद्गला तत्वार्थ तो पढ़ चुके हैं, क्या आएगा, रूपिणा पुद्गला, मतलब रूपी पदार्थों को जानने वाला है ना, कौन है, पुद्गल क्या होता है, रूपी होता है, और अवधि ज्ञान का रूपिणा, अवधि ज्ञान का विषय क्या है उषा जैन, रूपी पदार्थ पुद्गल है, ये बात हो गई यहाँ पर। तो पुद्गल अवधि ज्ञान किसको जानता है, केवल रूपी पदार्थ को जानता है। मंजुला जी मना परे ज्ञान किसको जानता है, केवल रिजु रूपी पदार्थ को जानता है, लेकिन आपका हमारे राजुल जी गंगापुर जी का जो मतियो शुद्ध ज्ञान है वो छह द्रव्यों को जान सकता है, किसको जान सकता है, छह द्रव्यों को जान सकता है। उर्मिला जी कैसे जानेगा, राजुल जी का ज्ञान इतना बड़ा हो गया कि छह द्रव्यों को जाने, और अवधि ज्ञानी मुनिराज और उनका ज्ञान केवल रूपी पदार्थ को जाने, ऐसा क्यों कहा जा रहा है उर्मिला जी, शुद्ध ज्ञान से आगम चक्षु, हाँ, कि भाई पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, मूर्त पदार्थ और अमूर्त पदार्थ, जो अमूर्त पदार्थ है उनको भी कि आगम चक्षु से जान सकते हैं और उनको जानते, लेकिन मति और शुद्ध ज्ञान का जो विषय बताया तत्वार्थ सूत्र में, सर्वद्रव्य बताया, सर्वद्रव्य पर्यायेषु, हाँ, दो तरह से आया, मतलब मति ज्ञान भी सबको, लेकिन अंतर क्या हुआ, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान पहले तो इस तरह से करकर कि छह द्रव्यों को जानता, कौन जानता, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान, और अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान किसको जानते हैं, रूपी पदार्थ को जानते हैं, इस तरह से इसमें भेद हुआ। मैं रुक गया क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप सोच रहे हो कि क्या हो रहा है, ये हम पांच ज्ञानों के अंदर ये निकाल रहे हैं कि रूपी पदार्थ को ही जानने वाला ज्ञान कौन है, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान किसको जानते थे, मोबाइल किसका फोटो खींचता है, आत्मा का कि शरीर का, शरीर का, मतलब जो पुद्गल है उनका फोटो मोबाइल खींचता है, तो अवधि ज्ञान क्या है, मोबाइल की तरह से। अवधि ज्ञान का दूसरा नाम क्या हो गया आज हमारा, मोबाइल, जैसे मोबाइल रूपी पदार्थों का फोटो खींचता है, ऐसे अवधि ज्ञान केवल रूपी पदार्थ को जानता है। मतलब मन ज्ञान का भी ये नियम है, मोबाइल है, अब तो याद हो गया, मतलब क्या कह रहे हैं मंजू जी, अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान मोबाइल है, क्योंकि मोबाइल से जैसे रूपी पदार्थों का फोटो खींच जा सकता है, ये भी उनको जानते हैं। मना परे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान सब पदार्थों को जानते हैं, कैसे जानते हैं वो नहीं बात करते, लेकिन जब हम ये कहें कि क्या जितना केवल ज्ञानी जानता है सूक्ष्म दूरवर्ती अंतरिक्ष कि नहीं, वो मति और शुद्ध ज्ञानी नहीं जानता, जाति की अपेक्षा से छह द्रव्यों को जानता है, लेकिन उनके सब पर्यायों को, तीन काल की पर्यायों को सबको जानने वाला तो केवल ज्ञान है। तो इस प्रकार से मति और शुद्ध को केवल ज्ञान से फिर अलग कर लेंगे, किसको कर लेंगे, मति और शुद्ध ज्ञान को कर लेंगे। लेकिन उर्मिला जी यहाँ तो चल रहा है अवधि ज्ञान का विषय चल रहा है, और अवधि ज्ञान किसको जानता है, रूपी पदार्थ को जानता, केवल रूपी पदार्थ को जानता है, इसलिए उसको यहाँ पर अलग कर लिया, मति और शुद्ध से अलग कर लिया। चलिए आगे पढ़ते हैं फिर से, हाँ पढ़िए आगे, प्रश्न संख्या तीन, अवधि ज्ञान में अवधि शब्द के व्यवहार का कौन पढ़ेगा, पढ़ो पढ़ो विभाजी पढ़ो, अवधि ज्ञान में अवधि शब्द के व्यवहार का क्या निमित्त है, समाधान, अवधि ज्ञान से नीचे के सब ज्ञान अवधि से सहित और उपरिम केवल ज्ञान अवधि से रहित है, यह बतलाने के लिए अवधि शब्द का व्यवहार किया गया है। विशेषार्थ, यहाँ शंका उत्पन्न होती है कि मन परे ज्ञान भी तो सावधि है, परंतु वह अवधि ज्ञान से नीचे का ज्ञान नहीं है किंतु उसके ऊपर का है, अतः अवधि ज्ञान से नीचे के सब ज्ञान अवधि सहित और उपरिम केवल ज्ञान अवधि से रहित है, यह बतलाने के लिए अवधि शब्द का व्यवहार किया गया है। यह समाधान ठीक मालूम नहीं होता। इस शंका का समाधान यह है कि मन पर ज्ञान का विषय चूंकि अवधि ज्ञान की अपेक्षा सूक्ष्म है, लेकिन वह भी विषय की अपेक्षा अवधि ज्ञान से नीचे का ही ज्ञान है, इसलिए पूर्वोक्त समाधान संगत ही है। मति श्रुतावधि मन पर्याय
केवलानि ज्ञानम के निकल गया मेरा केवलानि ज्ञानम हाँ चलिए आगे आप लोग पढ़ो कोई भी मत तीसरा केवलानि ज्ञानम चलिए इस प्रकार तत्वार सूत्र आदि में जो मन पर ज्ञान अवधि ज्ञान के ऊपर किया गया है उसका कारण संयम का सहचारित्व है। देखो कषाय पाहुड़ो भाग एक पृष्ठ 17। हाँ ये कषाय पाहुड़ में इस बात का खुलासा दिया गया। चलिए इसमें वही बात बताई जो हमने अभी अपन चर्चा कर चुके हैं कि मन पर ज्ञान संयम के कारण उसको अवधि ज्ञान के बाद में रखा गया। शंकाकार का प्रश्न क्यों हुआ, जैसे अपन बोलते हैं प्रमथ संयम, तो प्रमथ उसका अंत दीपक हो गया। तो जो बोलता कि जब आप बोल रहे हो कि अवधि ज्ञान से नीचे के सब ज्ञान की अवधि सहित है तो अवधि हो गया अंत दीपक, लेकिन मन परे ज्ञान तो फिर अंत दीपक नहीं होगा। तो फिर आचार्य ने बोला नहीं नहीं उसका भी है लेकिन वो भी अवधि ज्ञान है, लेकिन क्या है कि संयम के कारण उसको बाद में रखा है। ठीक है चलिए आगे पढ़िए। शंका नाम के एक देश अवधि से पढ़ते जाइए। नाम के नहीं यह द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा निर्देश नहीं है। नाम के एक देश अवधि से देशा अवधि पढ़िए पढ़िए सही पढ़ रहे हैं आप जो पढ़ रहे हैं पढ़िए है। मंजू जी पढ़िए। नाम के एक देश अवधि से देशा अवधि कैसे जाना जाता है। समाधान नहीं क्योंकि भामा से सत्य भामा, सेन से भीमसेन और देव से बलदेव इत्यादियों के नाम के एक देश से भी नाम वालों के विषय करने वाले ज्ञान की उत्पत्ति देखी जाती है। वह देशा अवधि तीन प्रकार का है, जगन्य उत्कृष्ट और अजगन्य अनुत्कृष्ट। उनमें चूंकि जगन्य अवधि विषय की प्रमाण प्ररूपणा के बिना जगन्य देशा अवधि की प्रमाण प्ररूपणा का कोई उपाय नहीं है, अतः जगन्य विषय की प्ररूपणा करते हुए जगन्य अवधि के प्रमाण की प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के भेद से विषय चार वे उसमें विशेषा सोपचय सहित औदारिक शरीर नौ कर्म द्रव्य में घन लोक का भाग देने पर उसमें एक भाग प्रमाण जगन्य अवधि में द्रव्य होता है। रुकेंगे इसके पहले की शंका में क्या बताया आपने, यहाँ पर बोला नमो ओहि जिनाणम, क्या बोला अपन ने नमो ओहि जिनाणम बोला, तो और आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर दिशा अवधि की बात है, तो हमको कैसे पता चलेगा दिशा अवधि की बात है कि परमावधि की बात है कि सर्वावधि की बात है। तो उन्होंने कहा जैसे सत्य भामा है तो उसको भामा ही बोल देते हैं, भीम सेन उसको केवल भीम बोलते और सेन नहीं बोलते, सुदर्शन मेरु और उसको केवल सुमेरु मिलते हैं और उन्होंने सुदर्शन मेरु हो गया। तो शार्ट में बोलने से पता चल गया कि यहाँ पर देश अवधि देशा अवधि ज्ञान की ही चर्चा है। ये तो बात हो गई ऊपर की शंकाकार। उसके बाद में वीर सेन आचार्य टीका लिखकर कहते हैं कि जो देशा अवधि ज्ञान जिसका कि सूत्र नंबर 2 की हम टीका कर रहे हैं उसमें आप सबसे पहले ये जानिए, क्या जानिए उर्मिला जी, कि देशा अवधि ज्ञान भी उत्कृष्ट जगन्य जगन्य अजगन्य अनुत्कृष्ट अजगन्य अनुत्कृष्ट। जगन्य किसे कहते हैं, अजगन्य किसे कहते हैं, उषा दोषी बताएंगे आप, उत्कृष्ट किसे कहते हैं, जैसे उदाहरण देके बताइए। 1 से 10 तक में एक संख्या जगन्य है और 10 उत्कृष्ट है और बीच की 2 से 9 तक के मध्यम। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो देशा अवधि ज्ञान के बारे में जब अपन करेंगे ना बंद करते तो यहाँ पर जो बात करेंगे आशा बहन, यहाँ पर 1 से 10 तो 1 को जगन्य लेना कि 10 को जगन्य लेना कौन बताएगा, हिंट भी दे दिया क्योंकि सब लोग जानते कि 10 उत्कृष्ट है, लेकिन हम बात कर रहे हैं देशा अवधि की। अब इंटेलिजेंट स्वाध्याय शुरू होता है, हम कितने इंटेलिजेंट है वो बात करेंगे। 1 से 10 तक की संख्या में 1 जगन्य होता है 10 उत्कृष्ट होता है, गणित का विषय है, किसका विषय है गणित का। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम, कौन बोल रहे हैं, विजय ममता जी दोषी। हाँ तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर उषा जैन, क्या बोल रहे हैं हम लोग ममता जी,
कि क्या अवधि ज्ञान के विषय में अगर हम एक से दस करें, मान लो कि अवधि ज्ञान किसको जानता है, एक से दस तक के भेद है, तो उसमें जगन्य कौन होगा और उत्कृष्ट कौन होगा? शकुंतला जी मैं ही बताता हूं, अवधि ज्ञान जगन्य होगा, जगन्य हो जाएगा, पर्याय ज्ञान उत्कृष्ट होगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने पर्याय, आप सुनो, नो नो, उसमें वो जगन्य हो एक से नो जगन्य। अभी आप लोग सब उसी में वहीं पड़े, उससे उत्तर दे रहे हैं और वो उत्तर नहीं है। यहाँ पर दस जगन्य होगा, उल्टा होएगा, एक से नौ एक होगा, एक होगा उत्कृष्ट होगा और बीच के मध्यम होंगे और दस जगन्य हो जाएगा, एक उत्कृष्ट होगा, दस जगन्य हो जाएगा। अब बताए क्यों हो जाएगा, दस कम क्यों हो जाएगा ये बताना पड़ेगा, ये तो बोलने में कोई भी। हाँ कस्तूरी जी बताना, देखो ट्राई करो, एक को सबसे पहले जानेगा, उर्मिला जी कुछ सोच रही है, बराबर सोच रही है, सही दिशा, बोलो उर्मिला जी, एक को सबसे पहले जानेगा तो एक उत्कृष्ट हो गया। चलो ठीक है, और बताओ दूसरा। मैं बताता हूँ आपको, सबको मैं चश्मे वाले की दुकान पर ले जाता हूँ और आप सबके आज आई टेस्ट कराते हैं, तो जैसे कराएंगे टेस्ट वो आपको बोलेगा आप नंबर पढ़ो भाई, है ना, लाइन पढ़ो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पहली लाइन पढ़ देगा वो उत्कृष्ट होगी ना, और जो जो आखिर की लाइन पड़ेगा वो उत्कृष्ट होगी, जहां तक वो पड़ेगा आखिरी की लाइन तक। आपको ये चश्मे वाले की दुकान दिखाई देने लगे, चार्ट करने दिखे बड़ा होगा वो एक होगा ना, नहीं नहीं दिखाई दिया, चार्ट दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया, हाँ दिखाई दिया। तो देखो पहले क्या लिखा है, पढ़ी जरा, पढ़िए विभा जी, आपका चश्मा टेस्ट करते हैं, ई पहले ऊपर क्या लिखा है, ई नीचे की लाइन में दो लाइन में क्या लिखा है, एफ पी, नीचे भी क्या लिखा, टी ओ जेड, इस लाइन में चौथी लाइन में टी ओ जेड एल पी ई डी पी ई सी एफ डी ई डी एफ सी एन एच पी जेड पी एफ ई एल ओ, यहाँ गड़बड़ होने लगे आपका, सही टेस्ट हो रही है, कोई बात नहीं, तो आपने छठी लाइन तक पढ़ लिया, नीचे के आप अक्षर नहीं पढ़ पा रहे, नीचे के अक्षर नहीं पढ़ पा रहे, तो जो नीचे का अक्षर पड़ेगा, छोटे अक्षर पड़ेगा, वो उसकी आंखें ज्यादा पावरफुल होगी कि नहीं होगी, जिस आंखें किसकी पावरफुल, जो छोटे अक्षर को पढ़ सकता है उसकी आंखें पावरफुल, जो उसके ऊपर की लाइन तक पढ़ सकता है, जो तीन लाइन तक ही पढ़ सकता है, उससे जो चार लाइन की पढ़े उसकी आंखें की ज्योति की पावर ज्यादा, जो पांच लाइन पढ़ सकता है लेकिन उसकी अपेक्षा छह लाइन पढ़ने वाले की पावर ज्यादा, तो अक्षर तो होते जा रहे छोटे छोटे। मुग्धा जी, हाँ जी, आप घबराई मत, आई स्पेशल दुकान पर ले गया, कोरोना काल में न तो आपको कोरोना का रिस्क है और न पैसे देने पड़ेंगे, सिर्फ टेस्ट कर ली मैंने तो आज शकुंतला जी की आई टेस्ट कर ली, कि उनकी छह नंबर तक के टेस्ट है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, मतलब आपने जूम में टेस्ट कर लिया। तो नीता जी समझाए बात, जो छोटे अक्षर पढ़े, छोटे अक्षर पढ़े उसकी आंखें पावर, जो छोटे स्कंद को जाने, जो छोटे उसका अवधि ज्ञान पावर, तो जगन अवधि ज्ञान एक से दस में कौन सा हुआ, जो दस परमाणुओं के स्कंद को जाने उसका अवधि ज्ञान जगन्य, नौ का उससे कम, आठ का उससे कम, उससे धीरे 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 एक, ये तो मैंने उदाहरण लिया। तो यहां पर जो बात बताई जा रही है कि देशावधि के जो तीन भेद होते हैं, जगन्य, क्या मधु जी पढ़ा था ना आपने, तो पहले लग रहा, ठीक लग रहा है, चश्मे के दुकान पर अच्छा लगा ना आपको, ठीक है, तो अब याद रहेगा कि देशावधि में आशमेन किसको पावर कहना, कि जो बड़े परमाणुओं के स्कंद को जाने वो तो हो गया जगन्य देशावधि, और जो छोटे को जाने उसको जाने। अब आचार्य कहते हैं हमें बताना पड़ेगा छोटे को जाने, तो ये कैसे बता सकते हैं हम, जब तक हम इसकी प्रमाण प्ररूपना नहीं करें कि कितने स्कंद को जगन्य देशावधि जानता है, कितने स्कंद के परमाणुओं को देशावधि का उत्कृष्ट ज्ञान का भेद है, जितना देशावधि जानता है उससे परमावधि सूक्ष्म को जानेगा कि स्थूल को जानेगा कि उससे सूक्ष्म को जानेगा, और सर्वावधि किसको जानेगा, एक परमाणु तक जानेगा, मतलब
देशा अवधि से पावरफुल सर्वावधि, सर्वावधि से पावरफुल परमावधि, से पावरफुल परमावधि और परमावधि से पावरफुल सर्वावधि। बहुत बढ़िया। सर्वावधि की कितनी पावर है? एक परमाणु तक जान सकता है, उसका एक ही भेद है, लेकिन परमावधि के कई भेद है, देशावधि के भी कई भेद है। हम देखेंगे कि इनके भेद किस तरह से बता देंगे, चार तरह से। द्रव्य से देशावधि ज्ञान की सीमा, क्षेत्र से देशावधि ज्ञान की सीमा, काल से देशावधि ज्ञान की सीमा, भाव से देशावधि ज्ञान की सीमा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की सीमा कितनी है, इसको लेकर क्या बोल रहे हैं आशा बहन? प्रमाण प्ररूपणा। क्या बता रहे इसको? प्रमाण प्ररूपणा। देशावधि ज्ञान की प्रमाण प्ररूपणा में कितना जगन्य, कितना उत्कृष्ट, चार अपेक्षाओं से बताने वाले। सबसे पहले बताएंगे द्रव्य की अपेक्षा, बताएंगे किसके? द्रव्य की। पर हमने देखा द्रव्य में क्या लेना, छोटे स्कंद को, कितने छोटे से छोटे स्कंद को जान सकता है, वह उसकी लिमिट होगी द्रव्य से। जब छोटे को जानता है तो उसके बड़े को तो जान ही लेगा, जो ऊपर की लाइन को तो पढ़ ही लेगा, तो उसकी तो बात नहीं है, उसके नीचे के नहीं पढ़ेगा। तो वो स्कंद कौन सा है? तो कहते हैं कि आपके पास में क्या माल है मुग्धा जी? आपके पास में तीन माल है, एक नौ कर्म शरीर के पुद्गल वर्गाणु है, एक आठ कर्म का माल पड़ा हुआ है, और एक उसके साथ में कई कर्म परमाणु है जिसको कहते हैं विश्वसा उपचय, विश्वसोपचय। तीन है, कौन कौन से आप बताओ? नहीं बताओ, कोई देखे नहीं देखे, लेकिन आपके पास में तीन माल है, नौ कर्म शरीर, दूसरा कौन सा है? आठ कर्म का शरीर जिसका नाम है कार्मण शरीर, और तीसरा क्या है? विश्वसोपचय। शब्द कैसे तैयार हुआ? विश्वसा प्लस उपचय। विश्वसा मतलब नेचुरल, स्वभाव से, उपचय। क्यों? अब मैंने एक प्रश्न पूछा था, उषा दोषी से पूछता हूं फिर से, कार्मण वर्गणा और कर्म में क्या अंतर? जैसे अपन कहते हैं ना कार्मण वर्ग, या आहार वर्गणा ले लो और नो कर्म ले लिया, मतलब अपन ने कहा ना 23 प्रकार की वर्गणा है, और हम ये बोलते हैं कि हमारे नो कर्म का बंद हो गया, आठ कर्म का बंद हो गया, तेज शरीर का बंद हो गया, तो उसमें क्या अंतर? मैंने एक उदाहरण दिया था, किसको याद है? बोलेंगे उषा दोषी को याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है। जो अंतर आटा और रोटी आटा और पूड़ी का है, पूड़ी बनाने में उसमें हो जाएगा, और आटे में वो चीज हो जाएगी। देखो आप मंजू जी, आप हर उदाहरण से याद करेंगे ना तो भूल भी जाएंगे, तो आपको याद हो जाएगा आशा बहन। अब आप बताओ आशा बहन, आटा क्या है और रोटी क्या है, कौन सी कार्मण वर्गणा है और कौन सी कर्म, आठ कर्म जो बंद गए हमारे? जो आटा है वो कार्मण वर्गणा है, रोटी है वो कर्म है। उन्होंने क्या बोला? जो आटा है वो कार्मण वर्गणा और जो रोटी बन गई वो कर्म, वो कर्म का स्कंद हो गया, मतलब आठ कर्म का या नौ कर्म का स्कंद हो गया, ये अंतर तो पता चल गया। तो मुक्ता जी ये बिल्कुल क्लियर हो गया अपने को। अब जो अपने हर समय अपन जो कर्म परमाणु को ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारे को यहाँ पर भी औदारिक शरीर को लेना है, तो औदारिक शरीर की अपन मनुष्य हैं, तो ये आहार वर्गणा में औदारिक शरीर के स्कंद को एक समय प्रबंध ग्रहण करते हैं और एक समय निर्जला भी होती है, लेकिन सत्ता में कितना बना रहता है प्रीति? डेढ़ समय प्रबंध हमेशा बना रहता है। मैं रुक जाऊंगा अभी, अभी आपको बोलना, नीता जी जैन को बोलना, क्या बोला मैंने कि हम हमारे हर समय एक समय प्रबंध कर्म का ग्रहण करते हैं और एक समय प्रबंध की निर्जला करते हैं, और सत्ता में डेढ़ समय प्रबंध बना रहता है। आगे बोलो, ये जो हमारे समय प्रबंध है इसमें हेतु अनंत परमाणु, मतलब सिद्धों से अनंत और अभव्यों से अनंत गुण है, ऐसा इसकी राशि है। लेकिन फिर भी हर एक जीव के समय प्रबद्ध अनंत तो बनता है, लेकिन उनके परमाणु में अंतर होता है, और उसका कारण है कि उसने उत्कृष्ट योग से बांधा, मध्यम योग से बांधा, या जगन्य योग से बांधा। तो बंधेगा तो एक समय प्रबद्ध है, कितना बंधेगा? एक समय प्रबद्ध आशमेन, लेकिन उनमें परमाणु की संख्या कस्तूरी जी अंतर हो जाएगी, या जो जगन्य से बंधेगा वो कम होगा, उत्कृष्ट से बंधेगा वो अधिक होगा, मध्यम से होगा
वो मध्यम बीच वाला होगा। ये बात कहां से आ गई मंजू जी, कहां से कहां पहुंच गए हम लोग? हम लोग बात कर रहे थे देशावधि ज्ञान की और चश्मे की दुकान पढ़ते और रोटी और आटा पर पहुंच गए और फिर बात करने लगे हम ये औदारिक शरीर की। भाई बात ये बतानी है कि देशावधि ज्ञान द्रव्य की अपेक्षा से कितने छोटे स्कंद को जानता है। तो स्कंद को बताने के लिए, स्कंद मतलब कर्म परमाणुओं का, हमने कौन सा लिया? औदारिक शरीर को। हम मनुष्य त्रिरंज के औदारिक शरीर होता है, हम नौ कर्म वर्गणा को ग्रहण करते हैं। तो आचार्य कहते हैं इसी जीव ने यानी हमने मध्यम योग से जो औदारिक शरीर का कर्म संचय किया है ना, उसको वो तो हुआ संचय किया, उसको क्या करना, डेढ़ गुना करना, ताकि संचय करने पर डेढ़ गुना हानि हो जाएगी। उसको डेढ़ से गुना कर देना तो क्या आ जाएगा, सत्ता में पड़ा हुआ औदारिक कर्म का बाधा आ जाएगा। तो कितनी होगी, डेढ़ गुना हानि होगी। बस अब क्या है कि मैंने बोला था कि विश्व छह मतलब ये जो रॉ मटेरियल भी वहीं पड़ा हुआ है और वो स्निग्ध रुक्षत गुण के कारण एक एक परमाणु के साथ, ध्यान से सुनना, धवला जी पढ़ रहे हैं बातें आने वाली, एक एक परमाणु के साथ जीव से भी अनंत गुणे पुद्गल चिपके हुए फ्री में, मतलब एक रोटी के साथ में अनंत 50 आदमी आ जाए इतना आटा चिपका हुआ है। क्या कहा मैंने, मतलब 50 आदमी आ जाए तो उसकी रोटी बनाने के लिए जो आटा लगे वो एक रोटी के साथ में चिपका हुआ है। क्या बोला उर्मिला जी, इतने परमाणु चिपके हुए हैं। तो वो चिपके हुए मध्यम योग से जो औदारिक शरीर हुआ उसके जो विश्व से चिपके हुए उन परमाणु का जो स्कंद है, लीजिए नीता जी का प्रश्न आया, ये आप चिपका क्यों रहे हो, सीधा बोल दो ना औदारिक शरीर का स्कंद है कि नहीं नहीं वो औदारिक शरीर का जो कर्म बना है वो स्कंद भी तू देख नहीं सकता है, वो इतना सूक्ष्म है। तो उसको बड़ा करने के लिए जैसे जिस आटा आपका ढीला बन जाए और उससे रोटी नहीं बने हम लोगों को, तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, आटे में सूखे आटे में उसको बार बार लेते हैं और उसको मोटा कर लेते हैं। तो ये क्या, ये याद आगे राजू जी को समझ आ गया, ये बात लगता है आज आपके आटा ढीला बन गया था वो, लेकिन आप लोग तो होशियार है तो कर लेते हैं फिर उसको, तो उसके अंदर लेंगे तब तो वो मोटा हो गया। तो ये विश्व सज उसके साथ चिपक गए तो वो स्कंद इतना मोटा हो गया कि अब दिख सकता, केवल लेंगे आशा में तो नहीं दिखेगा, मतलब देश सबसे जघन्य देशावधि ज्ञान पे उसको देख नहीं पाएगा, लेकिन जब विश्व से चिपकेंगे ना तो वो आटा बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब आपको थोड़ा पानी की, वो हमारे जैसे लोगों को, हमने पहले गीला था फिर बहुत गाढ़ा बन गया, अब उसको पानी छिड़कना पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि उसको हम लोकाकाश में जितने प्रदेश उससे भाग देंगे और जितने परमाणु की संख्या आएगी वह जगन्य देशावधि का द्रव्य की अपेक्षा से प्रमाण है। आज की स्वाध्याय यहाँ पर समाप्त होने जा रही है। आज की स्वाध्याय में हमने क्या देखा प्रीति जी, कि देशावधि ज्ञान का द्रव्य की अपेक्षा से जगन्य कितना बड़ा स्कंद है। उसका उत्तर क्या आया कि जो औदारिक शरीर के जो हमारे के अंदर सत्ता के अंदर जो कर, सत्ता में लेना इतना है वो कि डेढ़ समय प्रबद्ध है, उसके साथ में क्या लेना, विश्वसा उपचय, दोनों को मिलाएंगे तो विश्वसा उपचय, किसके, औदारिक शरीर वाले, वो उसके अंदर चिपके हुए उस स्कंद को आशा बहन लोकाकाश में जितने प्रदेश है उससे भाज कर देंगे तो जो परमाणु की संख्या आएगी इतने परमाणु के स्कंद को देशा अवधि जानता है। बस इस बात को रिपीट करके आज की स्वाध्याय समाप्त होगी। अब आप लोगों को रिपीट करना है, समय बिल्कुल बराबर हुआ है इसलिए अपन एक मिनट ओवर टाइम कर सकते हैं। बताइए कौन बताएंगे, हाँ बताइए मुग्धा जी, जो अपने को बताने का है जो भी जल्दी से बताएगा अच्छा है, बताइए क्यों समय औदारिक शरीर और लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या शरीर के डेढ़ गुण हानि से गुणित जो समय प्रबुद्ध है उसके तो, उसको उसको लेना है विश्व के साथ तो में। उतने है। उसको लोक से प्रमाण भाग देना, आकाश प्रमाण जो प्रदेश है उससे भाग देना है,
और वो जो बचे हैं उतने वो औदारिक शरीर के कार्मण वर्गणा के कर्म मतलब उतने परमाणु का स्कंद, उतने परमाणु का स्कंद जगन्य अवधि ज्ञान जानता है द्रव्य की अपेक्षा से, बस इतनी ही आज अपन ने बताई है ना। क्योंकि यहाँ पर बताया ना अवदिशा अवधि के तीन भेद होते हैं, जगन्य उत्कृष्ट अजगन्य अनुत्कृष्ट। तो हमको बताया कि जगन्य देशा अवधि ज्ञान किसको जानता है, तो आचार्य कहते हैं कि औदारिक शरीर जो मध्यम योग से संचित समय प्रबद्ध है, संचय वाला यानी डेढ़ गुणानी उसमें मिले, डेढ़ गुणा कर देना उसको, डेढ़ समय प्रबद्ध उसको लोकाकाश के उसके साथ में किसको लेना, विश्वसोपचय के सहित लेना, उसको लोकाकाश के प्रदेश की संख्या से भाग दे देना, जो संख्या आए उतने परमाणुओं का स्कंद, उसके परमाणुओं का स्कंद माने लाइन नंबर 6 कस्तूरी जी की लाइन नंबर 6 तक के उस साइज तक के अक्षर को पढ़ सकते हैं, ऊपर की तो पढ़ ही सकते हैं। कस्तूरी जी आपका आ गया लाइन नंबर 6, आज हमने क्या निकाला है, विभाजी ने पढ़ा था, अच्छा विभाजी का लाइन नंबर, विभाजी ने मैंने नहीं पढ़ा था, अच्छा विभाजी ने पढ़ा था, विभाजी आपका लाइन नंबर 6 था ना, तो उसमें जो अक्षर की साइज थी वो साइज आज हमने निकाली, डॉक्टर तो नहीं निकालता लेकिन हमारे भगवान ने निकाली है, ठीक है ना, तो आपको याद रहेगी। इसमें ये हुआ औदारिक गुणा जो डेढ़ गुना पड़ा हुआ है उसमें विश्व सोपचय को मिलाया और जो स्कंद बना उस स्कंद को लोकाकाश में उसमें भाग देने पर जो आएगा वह जगन अवधि ज्ञान वाले जानते हैं। हाँ वो परमाणु की संख्या आएगी, वो आएगी परमाणु संख्या आएगी, उतने परमाणुओं के स्कंद को जगन्य अवधि ज्ञान देशा अवधि ज्ञान जानता है। अपने बिल्कुल अभी थोड़ा और पढ़ेंगे ना तो पुस्तक में भी पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको, जो यहाँ पर अपन कर रहे धवला में वहां पर कुछ लाइन टाइप होने में रह गई है, प्रिंट में रह गई है, ऊपर के ऊपर मैं कल उसको बताऊंगा कहाँ पर रह गई है, ऊपर प्राकर से अपन देखेंगे ना तो कुछ छूट गया है, लेकिन आज तो अपन ने समझा है, कल इसको अपन आगे इस विषय को बढ़ाएंगे। एक बात आपसे पूछता है कि ऐसा विषय चलेगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा विभा जी, तो कल हम उसको फिर आगे बढ़ाएंगे, मतलब इसको ना आगे विषय को बढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें एक एक मिनट, अवधि ज्ञान से कितना जाना जाता है, एक मिनट आशा बहन कुछ बोल रहे हैं उसके बाद आपका नंबर जाएगा। इसमें इसमें आपने बताया कि जो मध्यम योग से कर्म परमाणु ग्रहण करते हैं उसको उसको डेढ़ गुना समय प्रबद्ध उन परमाणुओं में जो औदारी शरीर के योग जो परमाणु हमने ग्रहण किए हुए उसको उसको विश्वसोपचय सहित उससे ग्रहण किया तो उस और उसको लोकाकाश के प्रमाण से जितने परमाणु है उनसे भाग दिया तो वह विषय मध्यम जगन्य अवधि ज्ञान का हुआ। ये अगर आप देखें तो ज्ञान मार्गणा में देख लीजिए पेज नंबर 516 गाथा नंबर 378 सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीव कांड में गाथा नंबर 378 जिसको विषय देखना ना आप पढ़ के आएंगे तो आपको कल और समझ में आएगा। मैंने आज बता दिया मैं डाल दूंगा जीव कांड की गाथा नंबर 378 पेज नंबर 516 जो डॉक्टर उज्ज्वला शाह ने जो हिंदी अनुवाद किया सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाग एक उसके जो है प्रश्न नंबर 516 पर यह विषय स्पष्ट किया गया। अब आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप चाहेंगे तो मैं सम्यक ज्ञान चंद्रिका ग्रुप में पोस्ट भी कर दूंगा, मैं उसकी पीडीएफ पोस्ट कर देंगे वो पेज को, एक बार आप पढ़ लेंगे उस एक 10 लाइन है तो आपको एक प्रश्न बिल्कुल आएगा। किसी के पास गोमट सार की कोई भी गाथा हम पढ़ेंगे ज्ञान मार्गणा में अवधि ज्ञान में दिशा अवधि ज्ञान की बात चल रही है यहाँ पर गोमट सार की बहुत अपने को सहायता मिल सकती है अगर आप लोग थोड़ा बहुत देख के आएंगे तो विषय को समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो नीता जी आपने जीव कांड पढ़ा है थोड़ा बहुत है? नहीं पढ़ा तो ठीक है बाद में आप अपनी साध्या हो जाएगी अच्छा रहेगा बहुत बढ़िया रहेगा और जिसने पढ़ा उसका पक्का हो जाएगा उसमें कोई बात नहीं। आप लोग पढ़िए थोड़ा बहुत मधु जी ने सब पढ़ लिया लेकिन कोई बात नहीं पांचवी पुस्तक पढ़ रहे हैं तो लेकिन इसको वापिस पक्का तो हो ही जाएगा, ठीक है चलेंगे। जिनवाणी स्तुति जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयराणम नमो उज्जाणम नमो लय सुभसाणम।
नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो वज्जाणम नमो लेसु विसावणम नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो वज्जाणम नमो लेसु विसावणम नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो वज्जाणम नमो लेसु विसावणम नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो वज्जाणम नमो लेसु विसावणम नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो वज्जाणम नमो लेसु विसावणम नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो वज्जाणम नमो लेसु विसावणम नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो वज्जाणम नमो लेसु विसावणम नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो वज्जाणम नमो लेसु विसावणम बोलो जिनवाणी माता की जय द्वादश जिनवाणी माता की जय जय धर्म की जय नागम ग्रंथाधिराज की जय सभी को जय जिनेन्द्र हो जय जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र चलिए जय जिनेन्द्र।